तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। डे 16 की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है मेकर्स की तरफ से। तो अभी बात करेंगे कल कैसी क्या ग्रोथ रही है मूवी की, कल कितनी कमाई हिंदी से करी है, तमिल तेलुगु से अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है पहले 16 दिन में, और पूरी दुनिया से मूवी अभी तक कितना कमा चुकी है। कल विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली ने कितना इफेक्ट डाला मूवी में, और फ्राइडे वर्किंग डे ने भी कितनी डिप कर दी, मतलब कितनी ग्रोथ स्लो कर दी मूवी की, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल हिंदी से मूवी ने कमाए हैं 7.10 करोड़, यानी 7 करोड़ ही मान के चलो हिंदी से कलेक्शन आया है, बहुत नीचे कलेक्शन आया है, स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। वर्किंग डे तो था ही, साथ में जो मूवी रिलीज हुई है उसने भी जबरदस्त टक्कर दिया है। और तमिल तेलुगु से मूवी ने 51 लाख रुपए कमाए हैं कुल मात्र 16 दिन में। तो इसी के साथ तीनों लैंग्वेज को मिलाकर कल का पूरे दिन का टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो जाता है 7.6 करोड़ के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आ गई ग्रोथ। अभी तक जितना भी था वर्किंग डेज में भी, अभी तक टोटल नेट इंडियन कलेक्शन मूवी डबल डिजिट में आई जा रही थी, लेकिन अब सिंगल डिजिट में ये आंकड़ा देखने को मिल गया है। तो कल शायद ये लास्ट डे था वर्किंग डे का, फ्राइडे का, लेकिन आज सैटरडे है और कल संडे है, तो ऐसा आंकड़ा आज देखने को नहीं मिलेगा। आज अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, लेकिन मैं सही बताऊं तो विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली ने इफेक्ट डाला है, बहुत से सोच अपने खाते में लिए हैं, बहुत से सोच जवान से चुराए हैं इन्होंने। तो पहले 16 दिन में अब हिंदी से मूवी का कलेक्शन हो चुका है 480.54 करोड़, यानी 480 करोड़ ही मान के चलो। तो पहले 16 दिन में तमिल तेलुगु से अब कितना कलेक्शन हो चुका है 55.46 करोड़, इट मींस 55 करोड़ ही मान के चलो। तो वो टोटल कलेक्शन अभी तक मूवी हिंदी से कितना कमा चुकी है 480 करोड़ पहले 16 दिन में, और पहले 16 दिन में तमिल तेलुगु से 55 करोड़, और पहले 16 दिन में अब नेट इंडियन कलेक्शन कितना हो जाता है तीनों लैंग्वेज को मिलाकर 536 करोड़ के आसपास। देखा जाए तो कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़ा है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो आज सैटरडे एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 550 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगी सिर्फ नेट इंडियन कलेक्शन से, क्योंकि आज ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि आज भी अच्छा खासा टक्कर दे रही है विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी, सोच छीन रही है, काफ़ी सोच ये छीन चुकी है जवान मूवी से। और पहले 16 दिन में ही पूरी दुनिया से कितना कलेक्शन कर लिया मूवी ने 953.97 करोड़, यानी एक बार के लिए राउंड फिगर में देखें तो 954 करोड़ ही मान के चलो, ह्यूज कलेक्शन। मात्र 46 करोड़ और चाहिए इसको 1000 करोड़ कंप्लीट होने में। अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आज ये मूवी 46 करोड़ अगर ये कलेक्शन ले आती है पूरी दुनिया से सैटरडे एंड ऑफ द डे तक डे 17 में, तो भाई मज़ा आ जाएगा। मतलब 17 दिन में ही ये मूवी 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी पूरी दुनिया से, अनबीटेबल रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई बहुत ही मुश्किल से इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। बस 2-3 मूवी तोड़ सकती है अगर ये रिकॉर्ड आज बन जाता है, तब टाइगर 3 और खुद SRK की मूवी डंकी। तो ज़बरदस्त आंकड़ा है, ज़बरदस्त कलेक्शन चल रही है, ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है आज के दिन भी। लेकिन वही बात है कि कंपटीशन में विकी कौशल की मूवी लगी हुई है, तो काफ़ी सोच वो खींच भी रही है। तो देखते हैं, आज सैटरडे है और सैटरडे संडे को भी बहुत मूवी उछाल मारती हैं, और क्या कहते हैं वर्किंग डेज में तो इनकी कमाई स्लो होती, चाहे कोई भी मूवी ले लो, बड़ी से बड़ी मूवी क्यों ना ले लो, पैन इंडिया की ही मूवी क्यों ना ले लो, बड़े से बड़े स्टार की मूवी क्यों ना ले लो, वर्किंग डे में इनका ग्रोथ स्लो ही रहता है। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ अगर आज 1000 करोड़ कंप्लीट नहीं होते हैं तो ये मूवी आज पूरी दुनिया से 990 करोड़ के आंकड़े के आसपास जरूर पहुंच जाएगी, जरूर टच कर जाएगी 990 करोड़ के आंकड़े को, तो ये टच कर ही जाएगी, या मे भी हो सकता है कि 1-2 करोड़ से ऊपर निकल जाए। और कल संडे एडवांस बुकिंग में ही ये मूवी 1000 करोड़ कंप्लीट कर लेगी, और एंड ऑफ द डे तक ये आंकड़ा हमें 1030 करोड़ के ऊपर जाते दिखेगा। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आज मूवी क्या 1000 करोड़ कंप्लीट कर लेगी या कल एंड ऑफ द डे तक करेगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।